ਸਤ 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 ਸਤਿ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦਰਾਧੇ ਸਤ 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 ਤੇ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸਤ ਸਤ ਤੇ ਸਤ ਹੋ ਗੋਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸਤ ਸਤ संग सत्य सत्य हो तो लक्ष्य दिला दे। संग सत्य सात्य हो तो लक्ष्य दिला दे सत सत संग शब्द सुना होगा आप लोगों ने सत संग यानी का संग सत माने संत महापुरुष और संग माने आप जानते ही है दो चीज का मिल जाना है संग है तो अगर सत्य सत्य सत हो संत हो सच्चा संत हो यानी श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ वेद कहता है तद विज्ञाथम स गुरुमेवा भीगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम थोरटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो अगर ऐसा कोई संत हो तो उसको सत्य संत कहते हैं और संग भी सत्य हो अगर दोनों सत्य हो तो सत्य मिल जाए लक्ष्य मिल जाए भगवान मिल जाए आनंद मिल जाए तो संत सत्य हो इसकी परिभाषा तो मैंने बता दी आपको कि शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके हमको थियरी की नॉलेज भी करा सके और उसने भगवान का साक्षात्कार भी किया हो प्रेमानंद का खजांची भी हो वो प्रेम निधि भी उसके पास हो खाली चेकबुक है बैंक में एक पैसा नहीं तो वो चेकबुक क्या करेगी खाली बातें बनावे मुख से और भगवान के शरणापन्न न हो भगवत प्रेम न पाया हो तो उस बात बनाने से तो और अहंकार बढ़ेगा तो सच्चा संग क्या है यही गड़बड़ है कुछ क्योंकि संत तो अनंत जन्म में अनंत बार मिले होंगे अनंत बार क्योंकि संत संसार में सदा रहते हैं और हम सदा से चल रहे हैं तो जितने संत हुए सब को हमने देखा है सुना है मिले हैं ये जो पढ़ते हैं तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य निबारकाचार्य माध्वाचार्य बल्लभाचार्य सब इन सब संतों के सामने भी हम थे उनके पास भी गए उनका लेक्चर वेक्चर भी सुना लेकिन काम नहीं बना हमने कह दिया तुम संत नहीं हो संत ने कह दिया तुमने संग नहीं किया बस तो संत नहीं मिले कभी ऐसा तो कहना पागलपन है अनंत जन्म बीत गए जब भगवान के अवतार अनंत बार मिल चुके हैं तो संत क्यों नहीं मिले होंगे भला लेकिन संग नहीं किया हमने यही मिस्टेक लग रही है तीसरी कोई चीज है नहीं कल्याण के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अरे भाई या तो संत नहीं मिला होगा या तो हमने संग नहीं किया होगा तो संत नहीं मिला होगा ये तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि अनाधिकाल से अनंत जन्म बीत गए और कोई संत ही नहीं हुआ क्या विश्व में तो संग नहीं किया ये संग माने क्या होता है संग तीन प्रकार से हो सकता है हमारे पास तीन चीज है एक तो शरीर है और एक मन है और एक आत्मा है इन तीन में किसको संग करना है यह समझना होगा तो शास्त्र कहते हैं तीनों को करना है सर्व समर्पण सर्व या ही सर्वात्म भावे जो कुछ तुम्हारे पास है सब समर्पित करो गंदा गंदा है ठीक है गंदा ही अर्पित करो भगवान नहीं कहते कि तुम गोलोक लोग से सामान लाकर हमको दो तुम्हारे पास जो कुछ है उसका पूर्ण समर्पण करो पूर्ण संग करो और इन तीनों में सबसे प्रमुख है अंतकरण 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 के दो रूप हैं एक मन एक बुद्धि वैसे अद्वैती चार कहते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं भगवान ने गीता में दो ही कहा है मई ये वो मन आधत सो मई बुद्धि निवेश अर्जुन तू मन भी मुझको दे दे बुद्धि भी मुझको दे दे अर्जुन ने कहा मन ही एक है ये मन और बुद्धि दो चीज मांगते हैं हा हा है तो एक ही मन लेकिन उस मन के दो रूप है संकल्प विकल्प करता है मन और डिसीजन लेती है बुद्धि निश्चय करती है बुद्धि ये बुद्धि जो है इसको वेद ने कहा है बुद्धिंत सारथिम बुद्धि मन प्रग्रह में वच इंद्रियाण हया नहुर विषयाचरान आत्म इंद्रिय भोक्ते त्याहुर मनीषिणा वेद कहता है देखो तुम्हारे पास हमने तुमको एक रथ दिया है रथ तांगा एक का उसमें क्या क्या सामान है एक तो बॉडी होती है रथ की और कुछ घोड़े होते हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी होती है लगाम कहते हैं उसको और एक ड्राइवर होता है सारथी और एक पैसेंजर होता है बैठा रहता है ये रथ मैंने दिया है तुमको भगवान कह रहे हैं और रथ किस लिए दिया है मेरे पास आ जाओ आ जाओ बस जैसे हो वैसे ही आ जाओ बनो ठनो मत। अनंत जन्म बीत गए उस रथ पर चलते चलते लेकिन हम भगवान के पास नहीं पहुंचे और बिल्कुल पास में भगवान का घर है रथ हम जिस तरफ ले जा रहे हैं उसको उल्टा कर दें। बस घर आ गया उल्टा कर दें। ये घोड़े हैं इंद्रिया लगाम है मन और सारथी है बुद्धि और पैसेंजर है आत्मा और ये बॉडी है शरीर मनुष्य का जो बड़े भाग्य से मिला है और भगवान के शरणापन्न होना है भगवान के पास जाना है हम भगवान की तरफ पीठ करके चल रहे हैं यानी पूर्व की तरफ इलाहाबाद है और लखनऊ की रोड पर जा रहे हैं विपरीत दिशा में दुष्टम जदा पश्चात मी मत्स्य मेहमान मित बीत शो का वेद कहता है तुम राइट अबाउट टर्न हो जाओ लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाओ घूम जाओ पीछे भगवान खड़े हैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं हम नहीं घूमना चाहते आपस में ही हम मां बाप बेटा स्त्री पति बना बना के आनंद ढूंढ रहे हैं घर घर भीख मांग रहे हैं और जहां जहां भीख मांगते हैं वो भी भिखारी दूसरे घर में गए वो भी भिखारी तीसरे घर में गए वो भी भिखारी और सब भिखारी बेवकूफ बना रहे हैं आ जाओ आजा तुमको हम माला माल कर देंगे मां भी कह रही है बाप भी कह रहा है बीबी भी कह रही है पति भी कह रहा है बेटा भी सब कह रहे हैं यही धोखा दे रहे हैं और हर जगह तुम ठोकर खा रहे हो थोड़ी देर को ज्ञान भी होता है साफ स्वार्थी हैं और फिर वही तो संग मन बुद्धि को करना है मेन और इसमें भी प्रमुख है बुद्धि मन तो बिचारा सर्वेंट है जो बुद्धि कहेगी मन को वो करना पड़ेगा करना पड़ेगा नोट करो स्वर्ण अक्षरों में तुम लोग कहते हो मन नहीं लगता मन नहीं कर रहा है मन कर रहा है सो जाए मन कर रहा है यहां से चले जाए ठीक है कर रहा होगा मन मान लिया लेकिन तुम्हारे पास जो बुद्धि है भगवान ने दी है उससे मन को गवर्न करना है तुमको देखो एक छोटा सा बच्चा पांच साल का स्कूल जा रहा है रास्ते में गरम गरम जलेबी देखता है मुंह में पानी आ जाता है गरम जलेबी खाना चाहिए लेकिन जेब में पैसा नहीं है अरे नहीं है तो क्या हुआ उठा ले अरे नहीं पिट जाएगा चल चल सीधे स्कूल वो देखता जाता है जलेबी को और चलता जाता है बेचारा मन पर कंट्रोल कर लिया उसने वरना मन से कह देता है हाथ से कह दे उठा ले जलेबी ऑर्डर नहीं कर सका हाथ को वो तो हम लोग संसार में जितने वर्क करते हैं उसमें कुछ वर्क होते हैं मन से बाकी सब होते हैं बेमनी के आप लोग घर छोड़ के यहां आए हैं हाँ? साधना करने हा हा बड़ी भावना है तो बहुत बड़ा त्याग है ठीक है लेकिन जब घंटी बजती है उठना पड़ेगा सवेरे तो बेमनी से उठते हैं उठना पड़ेगा फिर सवेरा हो गया नहीं उठेंगे तो महाराज जी फिर क्या करेंगे डाटेंगे कहीं ये बेमनी से आप उठ रहे हैं अरे मम्मी ने उठाया घर में पापा ने उठाया वो भी आपको बुरा लग रहा है लेकिन उठते हैं और मम्मी पापा का भी मन नहीं कर रहा है उठने का लेकिन उठें ऑफिस जाना है उठें घर के बच्चों को नाश्ता बनाना है उठो क्या करो दिन भर आप काम करते हैं संसार में जैब एक्टिंग बनावट शो दिखावा बेमनी से किसी को घर में आने पर आप स्वागत करते हैं बेमनी से यानी आपका 99.9 परसेंट वर्क बेमनी से होता है लेकिन चूंकि मन आपका सर्वेंट है जो बुद्धि ने कहा वो मन करता है करना पड़ेगा मन बगावत नहीं कर सकता तो इतनी बड़ी भगवान ने आपको पावर दी है बुद्धि की उससे मन पर कंट्रोल करो हम वहां हार जाते हैं बुद्धि के अनुसार मन को चलाओ मन के अनुसार बुद्धि को न चलाओ तो बुद्धि ने हमको अनंत जन्म में महापुरुषों का संग नहीं करने दिया बुद्धि ने बुद्धि ने हम बीए ए पास हैं एमए पास हैं, पीएचडी हैं हम बूढ़े हो गए हमारे सफेद बाल ऐसे नहीं हो गए हैं हम बड़ी दुनिया देखे हैं बड़ा एक्सपीरियंस है ऐसे हम कैसे तुलसीदास सूरदास को संत मान ले ए ऐसे क्यों बैठते हैं ऐसे क्यों खड़े होते हैं ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं ऐसे क्यों बोलते हैं लो हमेशा हमने यही किया भगवान को नहीं छोड़ा संतों को क्या छोड़ेंगे ये संत महात्मा और भगवान ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान या संत जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं जम हम अनुग्रह नाम हरिश से धनम जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं ये बात समझ में नहीं आती जी हम तो ये समझते हैं जिस पर भगवान तो संत कृपा करते हैं उसको अरब पति बना देते हैं बेटा नहीं है तो बेटा दे देते हैं मां नहीं है तो माँ दे देते हैं बाप नहीं है तो कचहरी में बाप दे देते हैं यानी संसार दे दे ये भगवत कृपा संत कृपा ये हमारा ज्ञान और भगवान और संत का वाक्य इसका उल्टा मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं लड़ाई हो गई हमारी बुद्धि से और भगवान और संत के तत्व ज्ञान से लड़ाई हो गई हमने काट दिया उनको ये बात हम नहीं मानते आदि वो भागवत भी कहती है वेद भी कहता है ठीक है कहता होगा मैं 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 सहमत नहीं हूं उससे हम पूछते हैं कि भारत वर्ष में कितने आदमी हैं जो इस सिद्धांत से सहमत हैं हम पूछते हैं आप लोगों में कितने हैं जो सहमत हैं हमको तो एक भी नहीं दिखता आप लोगों में एक भी नहीं है उसका अपमान हो और वो गए बड़ा अच्छा हुआ उसको बीमारी हो और वो गए बड़ी भगवत कृपा हुई उसका सामान खो जाए बड़ी भगवत कृपा हुई उसका बाप मर जाए बड़ा अच्छा हुआ उसका पति मर जाए बड़ा बहुत अच्छी भगवत कृपा हुई ये बोलने वाले की हिम्मत है कोई आ तो बस ये बुद्धि गड़बड़ है आपकी बुद्धि वो संग नहीं होने देती संत का संत के और शास्त्र के और भगवान के सिद्धांत से टकरा जाती है।, है ये नहीं मानते हो मुंह से न बोलो भले ही अंदर से अंदर से बुद्धि कह देती है ये बात तो जमी नहीं कुछ जमी नहीं आ? तो फिर संग कहा आप कर रहे हैं संघ का मतलब तो ये है सेंट परसेंट अंदर से फीलिंग में स्वीकार करें वो संग है एक डांट लगाया गुरु ने ओ आज बड़ी कृपा हो गई गुरु जी के डाटा है मुझको ये फील करने वाले आप लोगों में क्या आदमी है सोचिए अकेले में आप लोग आपकी बुद्धि का क्या हाल है ए, मुडा। अरे भले ही मुंह से आप गाली न दे गुरु को लेकर अंदर से दे रहे सबके सामने डांटा अरे अकेले में डांट लेते कोई बात नहीं कितना प्यारा है आपको यह सम्मान ये जानते हुए कि हम कितने मूर्ख हैं कामी क्रोधी लोभी मोही है अज्ञानी है फिर भी गुरु से भी यह शब्द सुनने को तैयार नहीं ए आपकी बुद्धि है तो संग कहां कर रही है तो बुद्धि का संग होना चाहिए तो मन अपने आप उसी के अनुसार चलेगा बुद्धि का संग करना होगा सत्य के साथ गुरु के आदेश के साथ विभोर हो जाए उसके हर आदेश पर उसकी कृपा रियलाइज करे भीतर से कृपा कृपा तारीफ करने पर नहीं बुराई करने पर निंदा करने पर डांटने पर दोष बताने पर विभोर हो जाए भीतर से अब शरणागत हो रहे हो तुम अब तुम्हारा कल्याण निश्चित है यह दिन जब कभी आएगा आप लोगों का बस समझ लीजिएगा हो गया हमारा काम और जब तक ये आप लोग नहीं डिसीजन लेंगे और नहीं रियलाइज करेंगे भीतर से तब तक आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम गुरु के शरणागत हैं, भगवान के शरणागत हैं। ये शरणागति नहीं है और अगर है भी तो वन परसेंट टेन परसेंट बस और भीतर से आप सोचते हैं हम तो सेंट परसेंट शरणागत हैं है ना हाँ, हाँ. किससे पूछ रहे हो बुद्धि से अरे वही बुद्धि तो आपको बिगाड़ रही उसी से आप पूछ रहे हैं भला बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट देगी तो सच्चा सत हो सच्चा संग हो बुद्धि का तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति में कोई देर नहीं मरा मरा कहो तो राम मिल जाएंगे ये उपदेश है गुरु जी का अरे करोड़ों शास्त्र वेद के उपदेश दिए जिस गुरु जी ने उसकी बात को हमने माना नहीं अ गुरु जी कह रहे मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे और शिष्य ने कहा यस बुद्धि नहीं लगा ये मरा क्या होता है मैं कब तक कहूं मरा कोई क्वेश्चन नहीं बस आज्ञा पालन विभोर होकर वो बाल्मीकि महापुरुष बना ये शरणागति है ये संघ है सच्चा संग एक फूल दे दिया गुरुजी ने एक माला फेंक दिया अरे बस हो गया सब कुछ मिल गया ये फीलिंग होनी चाहिए छोटे मामूली माला हमको दिया उसको बढ़िया माला दी है ये लो बहुत विकृत बुद्धि है अनादिकाल से बिगड़ी हुई है इसलिए ओ तो शरणागत होने को तैयार नहीं होती तुरंत बुद्धि लग जाती है तुरंत एक सेकंड की देर नहीं ऐसी क्यों बैठी है और क्या करें उल्टा उल्टा बोला उल्टा सोचा सब ऐसे करते हो तुम लोग और फिर रियलाइज भी नहीं करते कि इस पर सुधार करें अब दोबारा ऐसा ना हो वही सदा तुरंत उल्टा जवाब गुरु को भी अरे जवाब न भी दो तो भीतर से सोचा तो भी वही बात है। <laughs> तो संग सही हो ऐसा जब कभी सौभाग्य मिल जाए तो फिर लक्ष्य प्राप्ति में देर नहीं होती